नमस्कार दोस्तों, गुजरात का घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। पाटीदार समाज गुजरात के मामले में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। पिछले दो दशकों से, करीब 20 सालों से जितने भी चुनाव परिणाम आए उनमें पाटीदार समाज के वोटों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है बीजेपी की बहुत चर्चित और प्रसिद्ध नेता रेशमा पटेल। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, आपने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के हक के लिए संघर्ष किया और उसके बाद राजनीति में आए, कैसे आना हुआ आपको, किससे प्रभावित थी और क्या था? देखो, राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब हमें पता चला कि आंदोलन अब समाज के लिए नहीं बल्कि कुछ कांग्रेस की एजेंट जो अपने स्वार्थ के लिए इस आंदोलन को चला रहे और पीछे की ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस के नेता बैठ चुके, तब हमने उस आंदोलन को छोड़ने का निर्णय किया और जो राष्ट्रवाद के साथ चलती है उस विचारधारा के साथ जुड़ने का हमें अवसर मिला और हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात है, उस समय आप किससे प्रभावित हुए, हार्दिक पटेल से? नहीं, वो हम उस मुद्दे के साथ यहाँ प्रभावित होने का बात आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज की मांग और समाज के उस लाड और प्यार को जश्न देना चाहूंगी। तो अब जब आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ये माना जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी, तो आप वही डिमांड बीजेपी के सामने उसी तरह से रख पाएंगे? देखो, आज तक हम बीजेपी के अगेंस्ट में आंदोलन किया है क्योंकि सत्ता पे वो है और हमने बहुत सी बार डिमांड रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निष्ठा से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम बंधारण के खिलाफ जाके आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब कि जो आरक्षण के अलावा उसके सिमिलर जितनी भी मांगे थी वो मांगे सरकार श्री ने दी है। मतलब आरक्षण नहीं मिल पाएगा, उसकी जगह जो कुछ हो सकता है। जी, उसकी जगह बंधारण में देखो क्या लिखा है, आरक्षण के लिए हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हमें आयोग में जाना पड़ता है, उसमें हमें अपने एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है, उस प्रोसेस से आज हम लड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जाके गवर्नमेंट को गाली गलौज करके जो भी मूवमेंट चल रही है वो आरक्षण के लिए नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे विरोध पक्ष की ताकत बनने के लिए उसको जिताने का भी वो आंदोलन है। उस समय जो आंदोलन हुआ था, इतनी तोड़फोड़ हुई, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, वो कितना सही था? देखो, आज की तारीख में मैं देखूँ तो मुझे भी अफसोस है। तो जो आप सही और गलत की बात बोल रहे हो, तो आंदोलन सही दिशा में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ तकवादी और कुछ स्वार्थी लोगों ने इस आंदोलन को अपना खुद तक सीमित रख दिया और समाज को साइड में रखा। कौन थे ऐसे स्वार्थी लोग जिन्होंने आंदोलन को ही नुकसान पहुँचाया? देखो, मैं उसका नाम लेना तो नहीं चाहती, आज भी नहीं लूंगी। हकीकत में वो लोग आंदोलनकारी नहीं, मतलब मैं कड़वे शब्दों में बोलूं तो कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। तो ये है भाजपा की बेबाक नेता रेशमा पटेल। सोमवार को एक बार फिर हमसे जुड़िए दोपहर के 1 बजे, कुछ और बातों से पर्दा हटेगा, कुछ नई बातें करेंगे बेबाक रेशमा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।